तमाम लोग लाइफ में एक मोड ऐसा आता है जहां पर इंसान थक जाता है, कई बार अपने ही फैसले लिए हुए और कई बार उन सारे मैटर्स को मेंटेन करते हुए, लाइक रिलेशनशिप और खुद का फोकस एंड खुद का गोल के साथ, वो क्लासेस एक के बाद एक। भाई कोटा फैक्ट्री सीजन 3 ये देख कर आ चुके हैं और इसमें यही हुआ है। सीजन 1 एंड सीजन 2 में वो भाग दौड़ सक्सेस के लिए, वो डेडिकेशन, वो सब चीज़ अलग था, लेकिन सीजन 3 में वो गहराई अलग दिखा के गई है कि एक पर्सनल लाइफ भी जो होती है वो कैसे अफेक्ट होती है लोगों की। और वहाँ पर सिर्फ जीतू भैया की पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है, अपने जो बाकी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनके भी, लाइक वैभव, वर्तिका, देन उसके बाद मीना एंड उदय, इन सब की लाइफ इंडिविजुअली अलग इनकी लेके रख रही है। देन उसके बाद जो रिलेशनशिप साथ में चलनी चाहिए वो अलग लेके रख रही है। तो ऐसे कोटा फैक्ट्री सीजन 3 वही काम करके गया है जो सीजन 1 एंड सीजन 2 करके गया था, यानी जो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन वहाँ पर मिल चुकी होती है हमको पहले सीजन्स में, वो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूली मिलने वाली है। बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो पर्सनली रिलेट करके जाएगा आपको अपनी लाइफ से, क्योंकि यस बहुत बार हम खुद ऐसे रास्ते चुनते हैं और उसमें चलते चलते एक बार के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हम ही वो बहुत कुछ एक्सपेंड करते हैं खुद को सारा कुछ सॉल्व करने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और जीतू भैया के साथ एक्चुअली यही दिखाया जा रहा है कि जीतू भैया जो एक टीचर होने के साथ साथ हर एक बच्चे से इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं और हर एक बच्चे को ऐसा फील कराना चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो आपको फैमिली की कमी महसूस नहीं होगी, उनका ये मोटिव है, उनका ये पर्सनल अटैक है हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली होगी। तो ये सारी चीज़ वो उनको टैकल करने लग जाती है, उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में टैकल करने लग जाती है, जो कई बार बता के जाता है कि जीतू भैया ना बनकर जीतू सर बनकर काम करा जाए, तब जाके ये थोड़ा सा डिटैचमेंट होगा और वहाँ से आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ वैभव जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है और खुद को कंपेयर करने लगता है किसी दूसरे से, और जो हमने भी देखा अपने भाई से कंपेयर करने लग जाता है, जिसकी एक आदत है, जो ऐसे क्रिंजेस्ट में कह सकते हैं, यस, जिसकी एक आदत है जो खुद को कंपेयर कर लेता है, यानी हर बार कंपटीशन में लगा रहता है। बाकी आईआईटी के लिए ये बच्चे कैसे तैयारी करते हैं वो अच्छा खासा इंस्पिरेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। भाई साहब टीवीएफ का ये एक ऐसा शो है कि लिखाई ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कोटा फैक्ट्री में जहाँ पर आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो VFX, कलर ग्रेडिंग एंड CGI की मदद से बहुत ऐसे ऐसे हाईल इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं जो कनेक्ट करके जाए लोगों को, जो आंखों को सुकून दे के जाए, लेकिन यहाँ पर पूरा ब्लैक एंड वाइट में ये तीनों सीजन निकाल चुके हैं और एक अलग रेस्पेक्ट हर एक के दिल में बना के जा चुके हैं जो इसको पसंद करता है ऐसे एजुकेशनल कंटेंट को एंड इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कंटेंट को, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दूसरी तरफ बात सिर्फ रियल लाइफ वैल्यू एंड रियल लाइफ लेसन्स के बारे में ही होती है इनके, खासकर सीजन्स में, खासकर कोटा फैक्ट्री में ही, जहाँ पर अधिकतर ये दिखाया गया है कि कोटा अब एक एजुकेशनल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना बनकर ये एक फैक्ट्री की तरह काम करने लग गया है कि यस हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम आपको मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, आप अपना बच्चा यहाँ लाइए, हम उसमें ये सारी चीज़ें फिट कर देंगे। इट मीन्स ये कि बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट ना करके उन्हें एक मशीन की तरह ट्रीट करा जा रहा है जो उनमें ज़बरदस्ती फीड करने की बात, और उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर होता है और दुनिया भर की चीज़ें और आके उसे टैकल करने लग जाती हैं। यही दिखा के गया है कि एक स्टूडेंट को समझा जाए, एक बच्चे को समझा जाए, ना कि उस पर प्रेशर बनाया जाए। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय।